नमस्कार दोस्तों, मीट सीरियल का आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से नीलम का बॉयफ्रेंड आ चुका है और नीलम पूरी तरीका से एक्सपोज हो गई कि नीलम को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये शुरू से ही ऐसी थी, बल्कि सीधी होने की तो वो एक्टिंग किया करती थी। सबसे पहले तो दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा, मीत अलावत और ईशा ने मिलकर अब फाइनली एक्सपोज करेंगे नीलम को, जिसके बाद में नीलम की पूरी सच्चाई सामने ही आ जाएगी। क्योंकि इस समय नीलम का जो बॉयफ्रेंड आया हुआ है, जो ईशानी का फ्रेंड भी है और वो नीलम का बॉयफ्रेंड है, अब वो करेगा कि हाँ इसका किस तरीका से संबंध रहे हैं पहले भी नीलम के साथ में। हालांकि नीलम ने शुरू से ही ये बात छुपा के रखी थी कि वो शादी से बहुत पहले से ही रिलेशनशिप में थी और वो पूरी तरीका से साइको टाइप में थी। जी हाँ, क्योंकि सबको लग रहा है कि इस पर कोई लैला है, वो लैला नहीं है बल्कि उसका रियल ही व्यक्तिगत ऐसा ही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अब बर्फी देवी की नई एंट्री होने जा रही है। बर्फी देवी अब कसम खाती हुई नजर आने वाली है कि वो किसी भी तरीका से अलावत परिवार को ख़त्म कर देगी। जी हाँ, अलावत परिवार को ख़त्म करने के लिए वो किसी भी साजिश चल सकती है और कैसे भी कर सकती है, क्योंकि अलावत परिवार में हमेशा सुख और शांति की अगर बात की जाए तो पहले से थी, लेकिन अब बर्फी देवी एक नया पैतरा आजमाती हुई नजर आने वाली हैं। बर्फी देवी का मानना ये है कि अलावत परिवार को मैं खुशी की सांस नहीं लेने दूंगी, अलावत परिवार को मैं पूरी तरीका से बर्बाद कर दूंगी। और वाकई में अलावत परिवार को बदनाम करने के लिए अब वो किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि उस बर्फी देवी ने बोल ही दिया है कि असली दुश्मनी मेरी अलावत परिवार से है। वहीं मीत हुड्डा का मानना यह है कि नीलम को हम पूरी तरीका से एक्सपोज करके जेल ही भिजवा के रहेंगे। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने वाकई में इतना सपोर्ट किया है मेरे को। लव यू गाइज़।